आज की इस वीडियो में मैं आपको CSS के बारे में बताऊंगा कि CSS क्या है और CSS का उपयोग क्या किया जाता है। तो देखिए CSS जो है, अगर मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो हम वेब पेज बनाने के लिए जो है HTML यूज करते हैं, और HTML में हम जो है बहुत सारे टैग यूज करते हैं जिनकी मदद से हम एक वेब पेज क्रिएट करते हैं। तो HTML टैग का जब हम उपयोग करते हैं तो HTML टैग की मदद से HTML टैग में वो फीचर्स या वे सुविधाएं नहीं हैं जिनकी मदद से हम अपने वेब पेज को ब्यूटीफुल या स्टाइलिस्ट बना सकें, या उसमें तरह तरह के कलर, बैकग्राउंड, शैडो, ये इफेक्ट हम दे सकें। इनसे संबंधित कोई भी टैग या कोई भी फीचर्स HTML में उपलब्ध नहीं है, इसलिए HTML के टैग को या HTML के टैग की मदद से जो कुछ हम वेब पेज में लिख रहे हैं उस कंटेंट को या उस पैराग्राफ को या उस हेडिंग को हम डेकोरेट या स्टाइलिस्ट बनाने के लिए CSS का यूज करते हैं। यानी सिंपल भाषा में कि CSS जो है वो HTML टैग को डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। जो भी आप HTML टैग की मदद से आप यूज कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल आप HTML में पैराग्राफ टैग पढ़ा है, पैराग्राफ टैग पे हमने जाना कि पैराग्राफ की मदद से हम एक वेब पेज में पैराग्राफ बना सकते हैं, लेकिन उस पैराग्राफ में अगर हमें कलर अप्लाई करना हो या उस पैराग्राफ में हमें अलग अलग फॉन्ट के प्रकार देना हो या उस पैराग्राफ में हमें बॉर्डर देना हो या उस पैराग्राफ में हमें किसी लाइन को हाईलाइट करना हो, तो इनसे संबंधित टैग जो है हमारे HTML टैग पर यूज नहीं होते या हमें HTML पे ये काम आसानी से करने की सुविधा नहीं मिलती, तो इसलिए CSS का यूज किया जाता है। जहां पर हम पैराग्राफ टैग के अंदर जो भी कंटेंट हमने लिखा है उस कंटेंट को CSS की मदद से हम आसानी से स्टाइलिस्ट या उसे ब्यूटीफुल या उसे हम डेकोरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली CSS का यूज जो भी वेब पेज हम बना रहे हैं उस वेब पेज को डिजाइन करने के लिए या उस वेब पेज को स्टाइलिस्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। यहां पर देखिए मैं यहां पर समझाने की कोशिश किया है, समझिएगा कि CSS का पूरा नाम कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। तो देखिए नाम से ही समझ में आ रहा कि यहां पे आप शीट को वेब पेज समझे तो यहां पे आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि वेब पेज जो भी हम बना रहे हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टाइलिस्ट बना सकते हैं। यानी हम उस वेब पेज को स्टाइलिस्ट बना करके या ब्यूटीफुल बना करके शो करा सकते हैं। तो यहां पर देखिए कि मैं आपको यहां पे बताने की कोशिश किया हूं कि CSS में हम जो है तीन तरह से अपने वेब पेज को कंट्रोल कर सकते हैं, या CSS हमें तीन प्रकार से अपने वेब पेज को कंट्रोल करने की सुविधा देता है। पहला, CSS की मदद से हम वेब पेज का जो प्रेजेंटेशन है वो कंट्रोल कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन मीन्स कि हमारा वेब पेज कैसा दिखे, उसमें कलर्स कैसे हो, उसका फ्रंट लुक कैसा हो, ये सब चीजें हम वेब पेज में CSS की मदद से कर सकते हैं। दूसरा, CSS के वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, यानी हम जो भी चीजें हम अपने वेब पेज पे दिया है, यदि हमने फ्रेम दिया है, यदि हमने कोई हेडिंग दिया है, यदि हमने कोई पैराग्राफ दिया है, यदि हमने कोई मेनू दिया है, वो सभी चीजों को हम आसानी से CSS में कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा, CSS में जो भी हमने CSS की मदद से वेब पेज में जो भी हमने टेक्स्ट या फॉन्ट या पैराग्राफ या बैकग्राउंड यूज किया है उसे हम आसानी से सेट कर सकते हैं, अलग अलग स्टाइल, अलग अलग कलर, अलग अलग फॉन्ट स्टाइल पे, अलग अलग बैकग्राउंड कलर पे। तो इस तरह से CSS का बेसिक यूज जो है, या बेसिकली CSS का जो यूज है वो वेब पेज को डिजाइन करने के लिए है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ CSS का एग्जांपल दिखा रहा जो CSS की मदद से वो वेब पेज क्रिएट किया गया है। तो देखिए आपके सामने एक ये पेज दिख रहा, ये पेज जो है HTML और CSS की मदद से बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम CSS को हटा दें, सिर्फ HTML की बात करें, तो HTML में इस तरह का वेब पेज हम नहीं बना सकते। यानी हमें HTML में ये सुविधाएं नहीं दी गई हैं जो हम इस तरह से वेब पेज या इस तरह से कलर या इस तरह से बैकग्राउंड हम नहीं बना सकते, तो इसलिए CSS का यूज किया जाता है। एक और एग्जांपल आप देखिए, ये देखिए यहां पर भी जो है ये HTML और CSS की मदद से बनाया गया है।
तो इस तरह से हम जो है सीएसएस की मदद से आसानी से वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो आप सीएसएस का यूज केवल आप ये समझें कि वेब पेज जो भी हम बना रहे हैं उसे हम डेकोरेट करने के लिए करते हैं पहला, और दूसरा आप ये समझें कि सीएसएस जो है वो किस में अप्लाई होगा, जो हम एचटीएमएल टैग लिखते हैं वो उसके लिए अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।